कौन से बिस्किट खाते हैं आप, दिमाग में जो भी आएगा ना, फिर उसके ऊपर लिखा होगा ब्रिटानिया, और फिर मैं कहूँ कि ब्रिटानिया के CEO रजनीत कोहली जी मेरे साथ मौजूद हैं, तो बड़ा दिलचस्प मौका है, बहुत ही शानदार मौका है। सबसे पहले आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत धन्यवाद कि आप संवाद में आए, बड़ी अच्छी चर्चा भी रही। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब कई युवा हैं वो आप लोगों को, आपके ब्रांड को इस तरह से देखते हैं कि काश ऐसा कोई ब्रांड बना पाए। कई युवा उद्यमियों से भी मैं यहाँ पर बातचीत कर रहा था जो स्टार्टअप्स या अपने नए एप्लीकेशंस के साथ आ रहे हैं, पर इतना सॉलिड और वो भी खाने में, वो भी बिस्किट पर ये व्यवसाय करना, ये व्यवसाय कैसे आगे बढ़ा और आज कोई नया युवा ऐसे व्यवसाय में आए तो कितनी संभावना है? थैंक यू। सबसे पहले तो अमर उजाला और आप सबके परिवार को 75 ईयर्स की एनिवर्सरी के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की तरफ से बहुत बहुत मुबारक आपको। और जो आपने बात करी है, हमारी कंपनी जो है 100 ईयर्स, कई लोग कहते हैं ओल्ड कंपनी, मेरा मानना है कि 100 ईयर्स ओल्ड कंपनी नहीं है, 100 ईयर्स यंग कंपनी है, क्योंकि टाइम के साथ साथ नई सोच, नए प्रोडक्ट्स और जो कंज्यूमर की एस्पिरेशन है और उनको चाहिए, उसके साथ साथ चेंज होती रही है कंपनी। तो बहुत लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, 1954 में सबसे पहले स्लाइस ब्रेड जो थी वो ब्रिटानिया कंपनी लेके आई थी, 1955 में इंडिया में सबसे पहला बर्बन या चॉकलेट बिस्किट देने वाली कंपनी ब्रिटानिया रही है जी, और मारी बिस्किट भी इंडिया में ब्रिटानिया ही लेके लॉन्च हुई थी। आज लगभग हम 15 बिलियन पैक्स जो है हर साल सर्व करते हैं इंडिया में, यानी कि अगर आप देखें तो हर इंडियन को हर महीने एक पैक ब्रिटानिया का हमारे घर घर में जाता है, तो उसका क्रेडिट ऑफकोर्स कंज्यूमर्स को जाता है। तीन चीज़ों पे हमने हमेशा काम किया है, वन इज़ ऑफकोर्स टू कीप द ट्रस्ट, और जो है और क्वालिटी जो है उसके ऊपर बिल्कुल भी जीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। सेकेंडली हम जो लास्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने क्वेश्चन पूछा कैसे है, वी ऑलवेज कीप द कंज्यूमर इन द हार्ट ऑफ एवरीथिंग वी डू। हमारी सोच में हमेशा है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उसको कैसे हम लोग बेस्ट टू बेस्ट सेटिस्फाई करें, और वैल्यू फॉर मनी। हमारे आज प्रोडक्ट्स जो हैं, गुड डे ले लीजिए, मारी ले लीजिए, 5 रुपये का पैकेट है जी। और मैं अभी पीछे नॉर्थ ईस्ट में था, इसमें मार्केट ट्रैवल कर रहा था, तो मैं हैरान हो गया देख के कि लोग बिस्किट के पैकेट को पानी में लेके एज अ प्रोटीन एज थिंग भी ऐसे यूज़ करते हैं। तो हर एक का अपना यूज़ करने का है, तो हाउ कैन वी कीप वैल्यू फॉर मनी है कंज्यूमर के लिए, उसको कैसे कर सकें, वो बहुत बड़ा है। आई थिंक दैट्स वेयर वी वर्क ऑन। मैं अभी आपकी बातचीत से एक बहुत दिलचस्प पहलू निकल कर आया, इनोवेशन की जब बात होती है तो हमें लगता है मशीनों में, ऐप में इनोवेशन हो सकता है। आपने बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अपनी कंपनी को ग्रो किया है, जिसके जैसे बार्बन का ही आपने नाम लिया, तो कई लोगों को प्रोडक्ट का ब्रांड ज़्यादा याद रह जाता है। तो ये इनोवेटिव सोच के लिए आप लोग क्या करते हैं, किस तरह से आपकी रिसर्च होती है, क्या इसके लिए भी बकायदा एक टीम होती है, दुनिया भर में आप देखते हैं, वो थोड़ा बताइए, आइडिएशन कैसे करते हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आई थिंक आइडियाज़ जो हैं, रिसर्च इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई सेट द इनसाइट, डेटा डेटा डेटा, और जो है डेटा जो है कंज्यूमर्स की इनसाइट्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊँ, हम सोशल लिसनिंग भी बहुत करते हैं, तो आज की डेट में सोशल लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम जब सोशल लिसनिंग कर रहे थे तो लोगों ने बोला कि यार चाय का साथी तो गुड्डे भी है, रस भी है, पर कॉफ़ी का साथी क्या है? दैट्स व्हाट वी पिक्ड अप इन मेनी कॉन्वर्जेशन। और हमारा जन्म हुआ एक प्रोडक्ट का जिसका हम बिस्कैफे अब लेके आए हैं, जो एक थिन क्रैकर है फॉर्म में, विच इज़ कॉल्ड बिस्कैफे, जो चॉकलेट जो कॉफ़ी फ्लेवर कॉफ़ी के साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट लिसनिंग टू द कंज्यूमर्स, के कंज्यूमर्स की क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हमने देखा कि लोग बाहर जाते हैं, जब वेजिटेरियन हैं बाहर जाते हैं तो क्रोसॉ जो बहुत करते हैं, तो आज से 4 साल पहले हमने ग्रीक कंपनी चिपिटा फूड, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट है, उनके साथ लाके हमने क्रोसॉ लॉन्च किया है, और लास्ट ईयर हमने 100 करोड़ प्लस क्रोसॉ की सेल कर ली है। उस हिसाब से अभी हमने बेल फूड्स जो है फ्रांस की सबसे लीडिंग चीज़ कंपनी है, 1865 पुरानी है, उनके साथ अभी जॉइंट वेंचर किया कि इंडिया में हम चीज़ कैसे लेके आएँ, चीज़ कैसे ले। तो टाइम टू टाइम हम लोग है इनोवेशन करते रहते हैं। हमारी पूरी प्रोसेस है ऑफ लिसनिंग, ऑफ इनोवेशन जो साइकिल होता है, स्टेज गेट मीटिंग्स होती है, उसके थ्रू पास होने पर ही करते हैं। अभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया है ये आपकी बात सुनकर, कि किसी एक प्रोडक्ट पर या जो आपकी आइडेंटिटी होती है उस पर स्टिक रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत सारे युवा उद्यमी आपको सुन रहे होंगे, क्योंकि आप देखिए चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, ब्रेड इसके इर्द गिर्द है, या ब्रिटानिया और एक्सपेंशन की भी सोचता है या कभी कोई दूसरी चीज़ों में भी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमारा जो विजन है, जो आपने बात करी 100 ईयर से जो चेंज हमारा, अब जो विजन है वो है हाउ टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल टोटल फूड्स कंपनी। जब टोटल फूड्स कंपनी की बात करें तो हर तरीके की स्नैकिंग, बिस्किट्स एक पार्ट है, पर अभी हम ब्रेड में हैं, आप जानते हैं रस्क में हैं, ब्रिटानिया केक्स बहुत फेमस हैं, अब हम लोग जो है क्रोसॉ में आ गए हैं, विंकिंग का और डेयरी का एक हमने बहुत लार्ज सेटअप किया है रंजनगांव पुणे में, जहां हमने ऑलमोस्ट 650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ डेयरी के लिए किया है। हम लगभग 2 लाख लीटर जो है दूध इकट्ठा कर रहे हैं, तो चीज़ और डेयरी के ड्रिंक्स जो हैं, तो ब्रिटानिया आप सिर्फ खाएंगे नहीं, पिएंगे भी फ्यूचर में। अभी हमने मिल्क शेक्स जो लॉन्च किए हैं विंकिंग का,
ऑलरेडी लास्ट ईयर 150 करोड़ कर चुका है। और स्पेशली देहरादून की बात करें तो यहाँ तो हमारे सब टीम बता रही थी कि सबसे लेटेस्ट कोई भी प्रोडक्ट आता है यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अपनाते हैं, तो क्रोसॉन की सेल, विंकिंग काओ की सेल, चीज़ की सेल सबसे ज़्यादा है। तो आइडिया इज़ हाउ कुछ चिप्स वगैरह में भी आने वाले हैं क्या आप लोग? हम लोग पायलट कर रहे हैं जी जी, क्योंकि बड़ा मैं देख रहा हूँ मार्केट बहुत बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंशन बहुत होता जा रहा है, तो हमारे पायलट चल रहा है कुछ स्टेट्स में साउथ की, और उसमें टाइम पास करके प्रोडक्ट है हमारा जो चिप्स के अंदर भी है। सो आइडिया इज हाउ कैन यू गेट इनटू अ टोटल फूड्स कंपनी, दैट्स द बहुत सारी शुभकामनाएं, इसी तरह से आप प्रेरित करते रहें युवाओं को, इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमसे बातचीत के आने में बहुत बहुत खुशी हो रही है हमें। तो ये अमर उजाला संवाद में रजनीश जी भी आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी बातचीत रखी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो युवा साथी हैं, बहुत छोटी सी बातचीत है, इनसे और लंबी बातचीत भी कभी करेंगे, लेकिन इस छोटी सी बातचीत में भी आप देख सकते हैं कि एक मोटिवेशन है आपके लिए किस तरीके से एक कंपनी को बड़ी कंपनी बनाया जा सकता है, 100 ईयर्स यंग कंपनी बनाया जा सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।